नव काशी, भव्य काशी और दिव्य काशी को एक वर्ष पूरा हो चुका है। काशी विश्वनाथ धाम जो कि 50,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा परिक्षेत्र में इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 13 दिसंबर को किया था, उसके एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आप देखिए कि ये जो यज्ञ हवन सीजन चल रहा है जिसमें मंत्री जो विधायक नीलकंठ तिवारी है, सौरभ श्रीवास्तव है, वो तमाम लोग बैठे हुए हैं। 11 मुख्य अर्चक हैं जिनके अंदर में जाकर के ये हवन पूजन हो रहा है। इसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी एक फेरिस्त है जिसमें अनुराधा पौडवाल तकरीबन 3 घंटे तक अपनी प्रस्तुति देंगी। हमारे साथ आज के जो कार्यक्रम है उस पर बात करने के लिए सुनील वर्मा जी भी हैं, वो भी यहाँ पूजा में मौजूद हैं। हम उनसे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ये नज़ारा आपको हम दिखाते हैं, ये मंदिर चौक है और जो पीछे का हिस्सा है ये मुख्य परिसर है जहाँ से लोग श्रद्धालु जा रहे हैं। आप श्रद्धालुओं की संख्या देखिए, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है जो गंगा द्वार की तरफ से आता है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि ये जो एक वर्ष पूरा हुआ है और जो श्रद्धालुओं की संख्या है, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहाँ पहले एक महीने में जितने आते थे वो अब महज एक साल में पूरे श्रद्धालु आते थे वो महज अब एक महीने में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो निर्माण किया गया था और जो वाराणसी की जो अर्थव्यवस्था को जो मजबूती मिली है इस धाम निर्माण के बाद से, वो अपने आप में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा की जो आमदनी है वो महज एक साल के अंदर हुई है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि धाम निर्माण में जो तकरीबन 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ सुनील वर्मा जी हैं। सुनील वर्मा जी, ये बताइए कि आज क्या विशेष कार्यक्रम है, एक साल पूरे हो गए हैं? आज एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ एक वार्षिकोत्सव मना रहे हैं जहाँ बाबा का विशेष हवन पूजन और एक हवन करा रहे हैं, कार्यक्रम करा रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने शाम दोपहर में गोष्ठी रखी है जिसमें कि मंदिर की भूमिका का और बेहतर कैसे हो सके इन पर विचार करेंगे। शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है अनुराधा पौडवाल जी के भजन में। तो कुल मिला के इस पूरे आज के दिन को हम एक वार्षिकोत्सव के रूप में ले, क्योंकि आज ही के दिन 2021 में धाम का लोकार्पण हुआ था, देश और दुनिया ने देखा था। हम लोग एक संदेश देना चाह रहे हैं कि धाम श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तत्पर है, हम और लगातार सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बीते एक वर्ष में बेतहाशा बढ़ी है, उसके बारे में थोड़ी सी। श्रद्धालु हमसे जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़े एक साल में, और हम लोगों ने श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं दी हैं, आगे आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं देंगे इसको। ये सुनील वर्मा जी थे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं काशी विश्वनाथ न्यास के, वो बता रहे थे कि पिछले एक साल में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, जाहिर सी बात है इस धाम निर्माण के बाद, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बनारस की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। और होटल इंडस्ट्रीज हो या जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो खर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं बनारस के योगदान को बढ़ा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो धार्मिक तीर्थाटन है उसको हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है, ताकि जो सांस्कृतिक जो उनका राष्ट्रवाद का एक फॉर्मूला है यानी कि धर्म के साथ साथ अर्थ, वो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और आज एक वर्ष पूरे हुए हैं और एक वर्ष के इस पूरे होने के बाद ये जो आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन में आप देख सकते हैं कि बहुत जो स्थानीय विधायक है वो तमाम लोग मौजूद हैं और शाम को अनुराधा पौडवाल का कार्यक्रम किया जा रहा है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, वाराणसी।